ही शॉवर लेके निकली हूँ और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो एक मैडम आई है, मैडम बनाया जाता है उनके लिए चाय बन रही है। एक मैडम हमारे घर एक मैडम आई है, मैडम आई है उनके लिए चाय बनाई जा रही है। चलिए उनके लिए चाय एंड ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो चाय पत्ती में डाल चुकी हूँ, मैंने मेहंदी लगाई थी तो बस बाल सर अभी धुलाई है। चाय मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दी है, ये आरो और ये रही मेरी आरो। आरो की फेवरेट कौन आ गई? मेरी दीदी, बड़ी दीदी। यस, उस आरो लेके जा रहे हैं उसके लिए पानी और फिर उसका ब्रेकफास्ट गरम करते हैं। और ब्रेकफास्ट में क्या बना है? ब्रेकफास्ट में पोहा बना है। तो अभी इस पोहा को गरम करते हैं और इसको देते हैं नाश्ता। तो गाइस चलिए चाय अब होने आती है, अब उसमें दूध डालते हैं और फिर देखते हैं आगे, मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस मैं उसे अब नाश्ता दे चुकी हूँ और रेडी हूँ। तो ये रखा मेरा पोहा और ये रखी मेरी चाय। तो चले चलते हैं नाश्ता करने। फिर नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। हाय गाइस, सो आपसे फिर वो चीज़ बात हो ही नहीं पाई। तो अब नाश्ता सब हो चुका है और अब बनाने जा रही है मटर, येलो मटर। येलो मटर किसे किसे पसंद है। और आज बनाती ग्रीन कलर का सूट। तो अब खाने में बना रही हूँ मैं येलो कलर की मटर और येलो कलर की मटर। उसके लिए मैंने प्याज ली है, आलू लिए हैं, टमाटर भी पीस लिए हैं। मटर के साथ राइस बनेंगे। सो आप लोगों के लिए यहाँ क्या क्या बन रहा है तो चलो बनाते हैं मटर, आपको दिखाते हैं कि कैसे बना है। सो मटर के लिए मेरा ये मसाला ग्राइंड हो चुका है और मटर अभी गर्म हो रहा है। तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, जैसे मैं आपको जो दिखाती हूँ। यस, तेल मेरा गरम हो चुका है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। और जब तक ये जीरा मुझे हो रहा है, कोई भी सब्जी में बिना हींग के नहीं बनाती क्योंकि हींग खाने में डाइजेस्ट आराम से हो जाती। चलो अब डालते हैं हमने जो ये मसाला ग्राइंड किया है वो। तो गाइस अब मैं इसमें अपना मसाला डाल चुकी जो मैंने ग्राइंड किया था। अभी इसको मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च, धनिया और बाकी सब मसाले जो काफ़ी कुछ टेस्ट देंगे। चलो जब तक ये मसाला भून रहा है इसमें थोड़े से आलू भी जाएंगे, तो दो आलू कट करके बाकी सबकी तैयारी करते हैं। बाकी दो आलू कट करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें आके कौन कौन से मसाले जाएंगे। तो मेरे आलू कटने हो गए हैं, अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी और इससे मैं डालने जा रही हूँ अपने घरेलू मसाले। सबसे पहले 1 स्पून हल्दी, मिर्च मैं थोड़ी कम डालूँगी क्योंकि मेरी आलू खाती है, आलू को कर लेते हैं हम चॉपिंग।
आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरी आलू की कटिंग चल रही है, क्योंकि मैं अभी ये आलू इसमें डालती हूँ। जब तक मैं इसको कट करूँ, जब तक मैं इसको कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, और फिर इसके बाद इसको डालूँगी। सो गाइस, अभी मटर का प्रोग्राम हो चुका है। अब इसमें लास्ट चीज़ ये डलने जा रही है, वो है नमक। आई होप तो ये थोड़ा सा नमक और बनने के बाद दिखाएंगे कि आखिर मेरी मटर कैसी बनी, और खाने वाले बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। हे गाइस, तो दोपहर में आपको बताया ही था, दोपहर में सिस्टर के लिए मटर चावल बनाए, और फिर उसके बाद खाना पीना वो चीज़ खाने के बाद दोपहर में कपड़े सुखाए और अब छत पे आ गए। ये पीछे का पहाड़ हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, सूरज वहाँ डूबते लग रहा है। ये मेरे घर का अपर ऊपर छत पे हूँ, थोड़ी देर यहाँ वॉकिंग करूँगी, और यहाँ कपड़े सूख रहे हैं तो कपड़े फटाफट उतार लेती हूँ। तो गाइस, अब वैसे भी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ब्लॉग्स आप देख रहे हो, शॉर्ट्स भी देख रहे हो, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको अभी आगे आगे नए नए शॉर्ट्स मिलेंगे, नए नए ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं आपको बताती थी कि मेरे इस ब्लॉग में आपको कुछ नया भी मिलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ घर आई हुई हूँ, तो मेरे मिस्टर जी ने कुछ दो वीडियो भेजी हैं कैशियो की, जो आज उन्होंने धुन बजाई होंगी, तो उसको भी मैं इस बीच में ब्लॉग में जोड़ दूँगी, तो आप उसको देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। तो चलो चल के कपड़े उतारते हैं, और आरू भी ऊपर आने वाली है, फिर देखते हैं आरू के साथ क्या मस्ती होती है। हे आरू, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस फुटबॉल खेली जा रही है। यस, ओ वाओ, तो कितने स्कोर कर रहे हो? मेरा एक स्कोर कम से कम हो चुका है। ओके, तो यस, ये आरू की फुटबॉल खेली जा रही है, और ये ओके, वन टू, ये आरू का गोल का बचाव। गोल बच गया। अगर लाइन से आगे आके तो टक्कर मारती ना, तो फिर गोल नहीं होता, वो गोल होता। तो आरू यहाँ पे अपनी फुटबॉल खेल रही है अपनी मौसी के साथ। वो आपको दिखाएंगे कभी बाद में कि वो कैसे खेल रही है, क्योंकि अभी वो थोड़ा अच्छी नहीं है। जोक वो चीज चलता है, अच्छी हालत में नहीं है। तो फिर हम बने हैं मैच रेफरी, तो चलिए आप बाकी की चीजें आगे देखते हैं। Thank you.
अभी ये लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लाने। तो कौन सी आइसक्रीम लोगे? ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। अच्छा नहीं बाबा, बता लो कैसे। थोड़ी देर लगेगी। कौन सी ले रहे हो? एक दो चॉकलेट है। हाँ बस मैं यही लूंगी बिट्टू। आप पक्का? जल्दी करना। हाँ बिट्टू सचमुच आम ही चाहिए? पक्का श्योर? कॉर्नेटो कोन वाली तो नहीं चाहिए? फिर वापस नहीं आएगी? जल्दी बताओ। मुझे मैंगो वाली है ना। ठीक है, 170। ठीक है, आता रहा। ये लो लो, मैं देख के आती हूं। हमने अब आइस हमने अब आइस क्रीम अरे कमी हमने आइस क्रीम और अभी हम चल रहे हैं घर। मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी छोड़ के आई थी क्योंकि मुझे भी चलना था। अब मैं चलूं। और ये तो बोल दो आप सबका इतना प्यार देने के लिए, 100 सब्सक्राइब होने के लिए। थैंक यू। बोलो थैंक यू फॉर यू। तो ऐसे ही करते जाना आप, हमें ऐसे ही प्यार देते जाना। हाँ। जल्द से ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते जाना, शेयर करते जाना और लाइक करते जाना। और अपने चाहने वाले लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। तो इस ब्लॉग को हम लोग शेयर करते हैं। गुड बाय।